सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुराधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे साल के पहले त्योहार यानी कि मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और कम सामग्री में बन जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम सफेद तिल, 200 ग्राम गुड़, 1 चम्मच घी और साथ ही में आधा ग्लास पानी। तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में तिल को अच्छी तरह से धीमी आंच पर भूनेंगे। मार्केट में 3 प्रकार के तिल मिलते हैं, आप कोई भी तिल को यूज करके इस लड्डू को बना सकते हैं। इस तिल को भूनने के लिए हमें 2 से 3 मिनट लगे हैं। जैसे ही आपका तिल चिटकने लगे और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो समझ जाइए कि आपका तिल भून चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब तक हमारा तिल ठंडा हो रहा है तब तक हम कढ़ाई में गुड़ को पिघला लेते हैं। तो अब हम उसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे और घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा गुड़। यहाँ पे गुड़ को जल्दी पिघलाने के लिए आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं, नहीं तो मेरे जैसे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। इसे हम स्पैचुला की मदद से थोड़ा चला लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा गुड़ जले ना, और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से पिघला लेंगे। गुड़ हमारा लड्डू बनाने के लिए तैयार है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उसमें गुड़ की चाशनी को डालेंगे। अगर वो चाशनी पानी में जाकर जम जा रही है तो समझ जाइए कि आपकी चाशनी लड्डू बनाने के लिए तैयार है, और अगर पानी में जाकर चाशनी घुल जा रही है तो आप उसे थोड़ा सा और पका लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ तिल। अब हम धीमी आंच पर तिल और गुड़ को चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल सकते हैं। अब हमारे तिल और गुड़ के लड्डू बनाने का मिक्सचर एकदम तैयार है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को प्लेट में निकाल लेंगे। इस मिक्सचर को हमें ठंडा नहीं होने देना है, जैसे ही मिक्सचर हाथ लगाने लायक हो जाए तो आप इस लड्डू को फटाफट बना लीजिए, नहीं तो ये मिक्सचर ठंडा होने लगेगा और जम जाएगा। अब मेरा मिक्सर हाथ लगाने लायक हो गया है तो अब मैं इसके फटाफट लड्डू बना लूंगी। यहाँ पे अगर आपको चटके लग रहे हैं तो आप अपने हाथों में पानी लगाकर इस लड्डू को बना लें। यहाँ पे अगर आपका मिक्सर ठंडा हो जाए तो आप इसे कढ़ाई में डालकर हल्का गर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पहला तिल और गुड़ का लड्डू तैयार कर लिया है और उसी तरह बाकी के तिल और गुड़ के लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो ये तिल गुड़ के लड्डू सर्दियों के मौसम में मकर संक्रांति के अवसर पर बनाया जाता है, तो आप भी इस लड्डू को बनाइए, खाइए, खिलाइए और मकर संक्रांति एंजॉय कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।